गाइस न्यू अपडेट आने वाला है और अपडेट के बाद आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा आफ्टर अपडेट बेस्ट क्लास कोड कॉम्बिनेशन। देखो प्रीवियस वीडियो में बताया था कौन कौन सा कैरेक्टर का स्किल को चेंज किया जा रहा है ओबी 43 अपडेट में, जैसे कि ओरियन, तासुआ एंड सोनिया का एबिलिटी को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया है। तो अब हम अपने कॉम्बिनेशन में कौन सा कैरेक्टर को यूज करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। सो गाइस ओबी 43 अपडेट बहुत ही खास होने वाला है कुछ पुराने कैरेक्टर के लिए जिनका स्किल को इंक्रीज किया गया है। अरे सेकुबे बताओ ना कौन सा कैरेक्टर, वही तो बताने आया हूँ, रुको जरा सबर करो, आप लोग पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो, उसके बाद ही बताऊंगा। कर लिया तो सुनो, नंबर वन एग्रेसिव कॉम्बिनेशन, एनिमी के घर में घुस के मारने वाला कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में उकोंग कैरेक्टर जो बूस्ट बन जाता है और आफ्टर अपडेट बूस्ट बनने के बाद मूवमेंट स्पीड पहले से इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात है, उकोंग पहले भी पावरफुल था और अभी एक्सट्रीम पावरफुल बन चुका है। देखो ये जो उकोंग का बूस्ट है ना, ये बहुत ही यूजफुल है, ऐसे चार पांच झाड़ियों के बीच बूस्ट बन के छिप सकते हो, एक हिडन एबिलिटी है और बूस्ट बनने के बाद अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो क्योंकि बूस्ट का लास्टिंग 15 सेकंड तक रहेगा। और तो बूस्ट में रह के एनिमी के ऊपर एम ले सकते हो, एम किया भाई मार सकते। और सबसे मेन चीज है कूलडाउन टाइमिंग, कोई टेंशन नहीं है, एनिमी को नॉक करो स्किल ऑटोमेटिक कूलडाउन हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा स्किल। ओके तो अभी रस के लिए उकोंग कैरेक्टर सबसे बेस्ट है क्योंकि ओरियन एंड तासुआ का एबिलिटी को डिक्रीज कर दिया गया है, तो सभी प्लेयर अभी उकोंग कैरेक्टर को ही यूज करेंगे। देन सेकेंडरी स्लॉट में फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर है लूना, जब एनिमी को डैमेज दोगे लूना 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगी और फायरिंग स्टॉप होने के बाद लूना 15% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करती है। बट एग्रेसिव गेम प्ले के लिए सिर्फ लूना कैरेक्टर को यूज करने से नहीं होगा, इसके साथ दशा को भी यूज करो। फर्स्ट एनिमी नॉक होने के बाद दशा का स्किल एक्टिवेट होता है, फिर क्या 6 सेकंड के लिए 18% रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा एंड 12% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ यूज करने से गन से गोली पानी के तरह निकलेगा। एंड एग्रेसिव कॉम्बिनेशन का लास्ट पैसिव कैरेक्टर है जोटा, एचपी रिकवर करता है। जोटा क्यों, एचपी रिकवर करने के लिए तो और भी कैरेक्टर है। तो सुनो, जब आप एग्रेसिव खेल रहे हो तो आपको इंस्टेंटली एचपी का जरूरत पड़ेगा, वेट करने का टाइम नहीं है, तुरंत एचपी चाहिए, तो इसीलिए जोटा को यूज किया हूँ। एनिमी को नॉक करो या डैमेज दो, इंस्टेंटली एचपी मिलेगा। तो ये था एग्रेसिव कॉम्बिनेशन, उकोंग, दशा, लूना एंड जोटा कैरेक्टर। देन नेक्स्ट सपोर्टर कॉम्बिनेशन, सपोर्टर का काम होता है अपने टीममेट को सपोर्ट करना। तो एक्टिव स्किल में क्रोनो कैरेक्टर, पहले हम दिमित्री को यूज करते थे, नया नया सब चीज अच्छा लगता है, लेकिन क्रोनो जब नया आया था मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा पावरफुल खतरनाक कैरेक्टर कोई था, ना अभी तक आया है। तो गाइस ओबी 43 अपडेट में क्रोनो बाउंस बैक हो के आया है, पुराना वाला क्रोनो देखने को नहीं मिलेगा, बट जो क्रोनो का कूलडाउन टाइमिंग है वो कम हो चुका है। तो क्रोनो एक शील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर अगर आप और आपके टीममेट रहेंगे तो डैमेज नहीं लगेगा, 800 डैमेज ब्लॉक करता है ये शील्ड। और तो और इसके अंदर अपने टीममेट को रिवाइव दे सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, और क्या चाहिए, अगर वाल नहीं होगा तो शील्ड का यूज कर सकते हो, और सबसे मेन बात है ग्रेनेड से भी बच सकते हो, और क्लास कोड में तो आपको पता है ग्रेनेड का भाई धमाका होगा। तो क्रोनो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है ग्रेनेड से बचने के लिए। देन पैसिव स्किल में थीवा कैरेक्टर, जो टीममेट को 70% फास्ट रिवाइव करता है और रिवाइव टीममेट को इंस्टेंटली 3 सेकंड में 60 एचपी देता है। तो रिवाइव होने के बाद आपके टीममेट को इंस्टेंट मेडिकेट लगाने का जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट पैसिव कैरेक्टर है लियोन, डैमेज लगने के बाद अप टू 60 एचपी रिकवर करता है, लेकिन लियोन का एचपी देने का तरीका थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10 एचपी लॉस होगा तो लियोन 10 एचपी देगा, उससे 1 एचपी भी ज्यादा नहीं देगा, वैसे ही 60 एचपी लॉस होने से 60 एचपी देगा, अगर 60 एचपी से ज्यादा एचपी लॉस होता है फिर भी 60 एचपी देगा लियोन कैरेक्टर। ओके देन सपोर्टर कॉम्बिनेशन का लास्ट पैसिव कैरेक्टर है नायरी, जो ग्लूअल का ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करता है, एवरी सेकेंड 150 ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करता है। अगर आप नायरी कैरेक्टर को यूज करते हो देन एनिमी आपका ग्लूअल को फोड़ नहीं पाएगा, और तो और अगर ग्लूअल में कोई डैमेज देता है तो मिलेगा 40 एचपी, एक ग्लूअल में 40 एचपी मिलेगा, वैसे ही दो ग्लूअल में 80 एचपी मिलेगा, तीन ग्लूअल में 120 एचपी मिलेगा, तो बताओ 7 ग्लूअल में कितना एचपी मिलेगा, कमेंट करो। सो गाइस ये था सपोर्टर कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट नेडर कॉम्बिनेशन, एक्टिव स्किल में हुमर कैरेक्टर, ओबी 43 अपडेट में इसका एबिलिटी को बैलेंस किया गया है और हुमर एक ड्रोन छोड़ता है जो नियरेस्ट एनिमी के ऊपर जाके ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद उस एनिमी का 40% मूवमेंट स्पीड एंड 40% रेट ऑफ फायर रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप हुमर के साथ पैसिव स्लॉट में मोको कैरेक्टर को यूज करते हो देन हुमर का ड्रोन ब्लास्ट होने के बाद एनिमी के ऊपर टैग शो करेगा, और अगर आप अपने कॉम्बिनेशन में अलवारों को
को यूज करते हो और उस मोको टैग को फॉलो करके ग्रेनेड करते हो, देन सियोर एक दो नॉक निकल जाएगा। तो हुमर, मोको एंड अलवारो को यूज करने से एक तगड़ा नेडर कॉम्बिनेशन बनता है। बट अभी भी एक स्किल स्लॉट खाली है, तो कमेंट में बताओ कौन सा कैरेक्टर को यूज करेंगे। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट को मैं पिन करूंगा। ओके, तो ये था नेडर कॉम्बिनेशन। सो गाइस, मैं टोटल 3 कॉम्बिनेशन बताया क्लास कोड के लिए। यूज करो और बताओ कैसा लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना। और अगर आपको जानना है आफ्टर अपडेट कौन कौन सा कैरेक्टर का स्किल चेंज हो रहा है, देन लेफ्ट साइड वीडियो को क्लिक करो। और एक मकड़ी वाला न्यू कैरेक्टर आया है जिसका वीडियो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा, जल्दी से जाके देख लो। ओके।